आपकी अभी तक की सरकार बहुत ही 2014 से ही है टोटली एंटी करप्ट। कभी किसी ने कुछ लांछन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। बिलीव है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं। उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग उसमें कहते हैं कि मिसयूज़ हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंटी करप्शन का है प्लान लेकिन इसके लिए हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था। तो अच्छा, आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं। और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत लीडर का अगर एक है कि भाई इन इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज़ हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा, मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिज्म नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी रखो, पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों को आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है ब्लैक एंड वाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इप्स एंड बट्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है। उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है भाई ये मेरे हक का है मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का नहीं नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए। पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था। मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी तेपस्वी व्यक्ति देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर ले कि ये अच्छा है और बुरा है। फिर मैंने कहा भाई नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं। पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से, उनको ऑर्डर दे दो। हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से वीक आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं। और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज़, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वहीं होता है, हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी। आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीज़ें देखता है, तो लोगों के विश्वास भी बनता है और काम भी। सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया, ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जैम पोर्टल है, आप जैम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जैम पोर्टल पर जाए, कोई कर और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टी फैसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई ना कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवीय को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।